हेलो गाइस, दिस इज कुशाग। वेलकम टू कुशाग सेंटर फॉर एक्सलेंस। सो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 5th वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंस्टीट्यूशन का क्या वर्क होता है। सो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो इससे पिछले चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करा था, इससे पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स। इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स के बारे में हमने डिस्कस करा था, राइट? क्या होता है इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स, इसके बारे में हमने डिस्कस करा। तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा वीडियो। सो जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है, हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकर। सो ये क्या है, इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, द गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, यानी कि क्या आया है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि एक इशू ऑर्डर किया गवर्नमेंट ने। कब गवर्नमेंट ने क्या करा, एक इशू ऑर्डर किया, कब, 13 अगस्त 1990 में ये इशू पास किया है ना, इशू ऑर्डर किया किसने, गवर्नमेंट ने। सो उसे कहा गया, क्या कहा गया, ओएम। ओएम यानी कि ऑफिस मेंडेलम, मेंडेलम ठीक है, ऑफिस मेंडेलम ये कहा गया। अब ये क्या हुआ कि इसका एक नंबर है, ओएम नंबर क्या है, वो ओएम नंबर क्या है, चलिए देखते हैं। वो है 36012 31 90 और ESTSCT। सो ये नंबर है, ठीक है, ये OM नंबर है। और डेट कब आया था ये तो हमें पता है, 13 अगस्त 1990 में। सो डेट पता चल गई हमें 13 अगस्त 1990 में, ठीक है। अब ये नंबर आया किसका, ओएम नंबर। सो ये ही इशू पास किया था किसने, गवर्नमेंट ने। सो ये समझ में आया। फिर वहां पे क्या है कि 27% जब क्या था कि जब 27% एजुकेशनली वो होती थी, सर्विस होती थी, तो सिर्फ 27% कितनी परसेंट, 27%, ठीक है, राइट। फिर दोबारा से एक क्या आया, नंबर आया, क्या, ओएम नंबर क्या आया, नंबर क्या था, 36012 22 22 22 और 93, ठीक है, पॉइंट ESTSCT, ठीक है, ये आया। अब डेट यानी कि कब आया, ये कब आया था, 8 9, ठीक है, कब आया था ये, 8 डेट में आया था, 8 सितंबर 1990 में, राइट, ये क्लियर हो गया। अब ये समझ में आया, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया वो क्या आया, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या इशू पास किया, राइट, क्लियर हुआ, क्या इशू पास किया गवर्नमेंट ने। अब जो इशू पास किया था उसका नाम क्या था, ओएम यानी कि ऑफिस मंडेलम, और जो उनके नंबर थे वो था ये, और ये नंबर कब आया, 1990 में 13 अगस्त को, और ये नंबर कब आया, 1990 में सितंबर 8 को, है ना, राइट, क्लियर हो गया। और ये नंबर कौन सा है, ये है ओएम नंबर, राइट, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, डिसीजन मेकर। अब ये डिसीजन मेकर क्या है, यानी कि कौन डिसीजन लेता है। सो तीन चीजें यानी कि तीन लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं। अब क्या है वो, देखिए फर्स्ट है प्रेसिडेंट, सेकंड है प्राइम मिनिस्टर, क्या सेकंड है, प्राइम मिनिस्टर, और थर्ड है टू हाउस ऑफ
पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। अभी टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। क्या? लोकसभा और राज्यसभा। अभी जो प्रेसिडेंट है, अभी प्रेसिडेंट क्या करता है ना? प्रेसिडेंट कैसे डिसीजन लेता है? प्रेसिडेंट क्या होता है? ये हेड होता है। किसका हेड होता है? प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ स्टेट एंड कंट्री। यानी ये हेड होता है स्टेट्स का और कंट्री, कंट्री की जो क्या होती है ऑथोरिटी होती है, हाईएस्ट ऑथोरिटी होती है उनका, क्या होता है? ये हेड होता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो होता है तो ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसलिए ये गवर्नमेंट के डिसीजन लेता है और ये स्टेट और कंट्री के डिसीजन लेता है। और टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अब ये क्या है? ये टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। लोकसभा और राज्यसभा होते हैं टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। अब क्या है कि ये तीनों चीजें जो होती हैं, ये थ्री लोग जो होते हैं, ये क्या लेते हैं? ये डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है, ये ही क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं, है ना। अब जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, उसने क्या बनाया? उसने अपॉइंटेड कर दिया। क्या अपॉइंट कर दिया? क्या अपॉइंट किया? द सेकंड बैकवर्ड, द सेकंड बैकवर्ड कांग्रेस, द सेकंड बैकवर्ड कमीशन। अब ये सेकंड बैकवर्ड कमीशन अपॉइंट कर दिया किसने? गवर्नमेंट ने, इंडिया की। सो इसे लीड कौन करता था? इसे लीड करते थे बीपी मंडेला। कौन? बीपी मंडेला, बीआर मंडल इसे क्या करता था? क्या इसे लीड करता था। इसलिए जो ये कमीशन आया उसका नाम क्या रखा? इसका नाम क्या रखा गया? मंडल कमीशन इसका नाम रखा गया इसलिए, राइट। अब ये क्लियर हो गया कि डिसीजन मेकर कौन डिसीजन लेता था। अब जो ये मंडल कमीशन था, इसके डिसीजन कौन लेता? जो क्या ये कमीशन जो था, मंडल कमीशन, उसके डिसीजन कौन लेता? बीआर मंडल लेता है, राइट। ये क्लियर हो गया। अब जो इसके बाद जो टॉपिक की बात करने आ रहे हैं वो है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राइट। क्या है अभी क्यों जरूरत होती है हमें? जो ये अब जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर्स हैं और जो ये कैबिनेट्स हैं, वो क्या है? वो इंस्टीट्यूशन होता है उनके पास, होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करवाते हैं? वो डिसीजन, यानी कि पॉलिटिक्स डिसीजन ले पाते हैं। और वो किसके लिए होते हैं? हमारे लिए ही तो होते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूशन पहला हमें इसलिए जरूरी होता है। अब सेकंड क्या है? जो ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, है ना, ये जो होते हैं सिविल सर्वेंट्स, ये क्या होते हैं? ये सिविल सर्वेंट जो होते हैं, इनके पास क्या होता है? जो इनके पास स्टेप होता है, स्टेप ले सकते हैं ये, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है कि ये स्टेप ले सकते हैं। किससे, कैसे स्टेप ले सकते हैं? इम्प्लीमेंट से स्टेप ले सकते हैं कि ये जो मिनिस्टर है वो डिसीजन बना रहे हैं तो उसका क्या लगते हैं? ये इम्प्लीमेंट से स्टेप ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये, क्योंकि इनके पास में इंस्टीट्यूशन है। क्या है? इंस्टीट्यूशन है। अब जो थर्ड आता है, लास्ट जो बचा है वो क्या आता है? जो ये सुप्रीम कोर्ट होती है ना, ये जो गवर्नमेंट होती है और जो सिटीजन होते हैं, इनकी जो आपस में डिस्पर्स जो चल रहा होता है उन्हें दूर करती है। किसकी वजह से? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जो है, इसमें ये क्या है? इंस्टीट्यूशन है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। अब इतनी सारी चीजें हमें मिल रही हैं, अब किसकी वजह से? इंस्टीट्यूशन की वजह से। इसलिए क्या होता है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन जो होता है हमारे लिए क्या होता है? ये यूजफुल होता है, राइट, यानी कि इसलिए हमें ये जरूरत होती है किसकी? इंस्टीट्यूशन की, राइट। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होती है, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद आता है पार्लियामेंट क्या होती है। सो क्या होती है देखते हैं आगे। क्या है पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट अब क्या होती है पार्लियामेंट? इसमें क्या होता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? एक नेशनल असेंबली बनाते हैं। सो इसी को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। जो क्या होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना वो एक नेशनल असेंबली बनाते हैं। सो उसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं। राइट, क्लियर हुआ पार्लियामेंट क्या होता है? अब व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? अभी हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है? अब पहले तो समझ लेते हैं ये लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर क्या होता है? जो स्टेट लेवल पे जो पार्लियामेंट होती है वो, और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव भी समझ लेते हैं क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी समझ लेते हैं क्योंकि आगे वो क्या है टॉपिक है। अब लेजिस्लेशन एक हो गया और एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ये एग्जीक्यूटिव जो फैक्टराइज यानी कि जो ये होते हैं फैक्टर होते हैं यानी कि कलेक्शन होता है किसका? ये फैक्टराइज का ये कलेक्शन होता है यानी कि उसका कलेक्शन होता है उसको हम एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। एग्जीक्यूटिव। अब इसके बाद जुडिशरी। जुडिशरी यानी कि जज जो होता है ना, जिस जो गवर्नमेंट या सिटीजन की जो लड़ाई चल रही है उन्हें दूर करने में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। राइट, अब ये समझ में आया पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट की क्यों जरूरत होती है। देखिए क्यों जरूरत होती है पार्लियामेंट की हमें? इसके बहुत सारे रीजन होते हैं क्यों हमें पार्लियामेंट की जरूरत होती है। उन्हें डिस्कस करते हैं आइए कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट क्या है? पार्लियामेंट इज फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। यानी कि ये क्या है जो पार्लियामेंट जो होती है हमारी, ये क्या है? एक अथॉरिटी है जो क्या करती है? लॉ बनाती है हमारी कंट्री में। कौन? पार्लियामेंट। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग एंड लेजिस्लेशन इज सो क्रशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। यानी कि जो ये जो अब लॉ बनते हैं ना, अब ये जो लॉ बनते हैं और लेजिस्लेशन जो होता है वो क्या होता है? क्रशियल होता है दीज असेंबलीज। अब ये जो असेंबलीज होती है यानी कि पार्लियामेंट जो होती है इनके लिए, इसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं। यानी कि वही और क्या कहते हैं? जो स्टेट लेवल पे जो पार्लियामेंट होती है उसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं। अब सेकेंड जो है वो क्या है? पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। यानी कि पार्लियामेंट जो होती है जितने भी वर्ल्ड में क्या होती है? एक्सरसाइज होती है यानी कि जो वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट कर रही होती है ना, वो उसे क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये जो गवर्नमेंट रन होती है तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। कौन? ये पार्लियामेंट। ठीक है। अब इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। अब कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पे क्या होता है इनका कंट्रोल फुल होता है और डायरेक्ट होता है यानी कि इनका कंट्रोल बहुत होता है यानी कि पार्लियामेंट कंट्रोल करती है उस कंट्री पर। ठीक है। अब जो थर्ड आता है वो क्या है? पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। यानी कि पार्लियामेंट उस मनी को भी कंट्रोल करती है यानी कि जो गवर्नमेंट पर है यानी कि उसे जो सिटीजन है वो ले ना सके, पहले यहाँ पार्लियामेंट से पूछना पड़ता है। राइट, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है वो आता है हमारा पार्लियामेंट इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। यानी कि ये क्या है? ये हाईएस्ट फॉर्म होती है। ये पार्लियामेंट जो होती है वो हाईएस्ट फॉर्म होती है किसकी? डिसीजन और डेबिट्स जो होते हैं, डिसीजन जो लेते हैं और डेबिट जो होते हैं। ठीक है। ऑन पब्लिक इशू, किस पर होता है ये? पब्लिक इशू पर और नेशनल पॉलिसी जो होती है उस कंट्री की। राइट। अब इन चीजों के लिए क्या होती है हमारे लिए पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? यानी कि इन चीजों के लिए हमें पार्लियामेंट की जरूरत होती है। राइट, जो मैंने आपको अभी बताया है पॉइंट्स उनके लिए। क्लियर हो गया। अब टू हाउसेज ऑफ गवर्नमेंट, वो सॉरी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के टू हाउसेज देखते हैं। हमने बताया था क्या क्या हाउसेज होते हैं। फर्स्ट लोकसभा और सेकंड राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा ये बताया था ना, लोकसभा और राज्यसभा।
ठीक है। अब ये लोकसभा क्या होती है और राज्यसभा, जैसे अब ये लोकसभा जो होती है वो क्या होती है, उसमें क्या होते हैं, ये हमें क्या प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए मतलब होती है, और ये राज्यसभा क्या होती है, स्टेट इलेक्शन के लिए होती है, और ये प्राइम मिनिस्टर के लिए और भी जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए। सो यहाँ लिख देते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शंस, ये प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस के लिए होती है, और ये जो होती है ये स्टेट इलेक्शन के लिए होती है, स्टेट इलेक्शंस, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब ये जो होती है लोकसभा, ये क्या होती है, लोअर चैम्बर होती है, लोअर चैम्बर होती है पर, और ये राज्यसभा होती है, ये क्या होती है, अपर चैम्बर होती है, ये क्या होती है, ये अपर चैम्बर होती है, राइट, क्लियर हो गया। अब इनमें से आप कहेंगे पावरफुल कौन है, सो राज्यसभा, क्योंकि ये क्या है, अपर चैम्बर है, पर राज्यसभा पावरफुल नहीं होती है, कौन होती है, लोकसभा, क्यों होती है। अब क्या करते हैं, अब समझते हैं, चलिए, तो यहाँ पे लोग कैसे बनते हैं, और हम ये भी समझेंगे कि कौन सी कैसे लोकसभा पावरफुल ज्यादा होती है। अब क्या होता है कि लो बनने के लिए क्या, लोकसभा या राज्यसभा से कोई भी मेंबर क्या एक बिल लेता है, बिल लाता है, और बिल अगर लोकसभा को पसंद आया सो वो राज्यसभा में जाता है, अगर बिल लोकसभा को समझ में आया तो वो राज्यसभा में आता है, सो उसे भी सही लगा हो तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, कहाँ, प्रेसिडेंट के पास, अगर प्रेसिडेंट से भी सही लगा तो एक लॉ बन जाती है। अगर मान लिया कि हमने ये राज्यसभा में जैसे नहीं, राज्यसभा को पसंद नहीं आता तो वो क्या कहता है, वापस चले जाते हैं, वो इशू, वो जो बिल होता है, ठीक है। अब पर फिर क्या होता है, फिर क्या हुआ कि वापस जाता तो है पर राज्यसभा में फिर वही बिल आता है, क्योंकि लोकसभा क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए अब उसे भी राज्यसभा को मानना पड़ता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, इसलिए क्या होती है ये लोकसभा, अब क्या होती है, पावरफुल होती है। अब जो मनी के जो बिल्स होते हैं, मनी की जो लॉ होती है, उन्हें भी यही, उन्हें उनके लिए सिर्फ यही बता सकता है, यानी कि इनके लिए इनका ही लोकसभा का कोई मेंबर ही उस बिल को ले जा सकता है। अब उस बिल को ले गया पर इसे पसंद नहीं आया, पर इसे मानना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बिल तो ये बना नहीं सकता, ठीक है, इसलिए मनी का बिल, इसलिए अब प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट को समझ आया तो ठीक है, वो मनी का लॉ बन गया, ठीक है। इसलिए क्या होती है, लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है, लोकसभा के बाद पावर ज्यादा होती है, बट इसे क्या कहा जाता है, लोअर चैम्बर और इसे अपर चैम्बर, ठीक है, ये क्लियर हो गया, पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये। अब इसके बाद आता है हमारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। अब जो एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, आइए देखते हैं एग्जीक्यूटिव की, मैंने आपको बताया था ना पहले भी, एग्जीक्यूटिव मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जब मैं वो बता रहा था जुडिशरी लेजिस्लेचर तो इन सब के बारे में बता रहा था, सो ये क्या होते हैं, ये फंक्शनरीज होती हैं जिन्हें क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, जो फंक्शनरीज होती है, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट फंक्शन जो होते हैं है ना, उन्हें क्या कर लेते हैं, हम कलेक्ट कर लेते हैं, सो इसे ही एग्जीक्यूटिव कहते हैं, राइट। अब ये हो गया, अब इसके बाद जो होता है, ये जो होते हैं एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव वो दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल और परमानेंट, पॉलिटिकल और परमानेंट। अब ये पॉलिटिकल जो होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ये जैसे कि ये क्या होता है, ये बदलते रहते हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, यानी कि वो क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं, पर परमानेंट जो होते हैं, जो जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो परमानेंट यानी कि रहते हैं बहुत सालों तक रहते हैं, यानी कि वो जल्दी जल्दी बदलते नहीं है, जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो बदल जाते हैं, पर ये बदलते नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया।
इन दोनों में डिफरेंस यानी कि ये बदलते रहते हैं और ये परमानेंट टिश्यू एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो नहीं बदलते जल्दी से, यानी बहुत सालों में ये बदलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव और ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया एग्जीक्यूटिव क्या होता है और पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है। अब इसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर क्या है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है, जैसे कि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हेड होता है किसका, गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है उन्हें वही कंट्रोल करता है। पर ये जो होता है प्राइम मिनिस्टर बनता कैसे है, यानी कि लोकसभा में जो होता है, लोकसभा जो होती है, लोकसभा जो होती है ना, लोकसभा जो होती है उसमें जो लोकसभा होती है, अब इसमें जो मेजोरिटी, जो पार्टी मेजोरिटी लाती है, मेजोरिटी उस पार्टी में से ये देखा जाता है कि जो पार्टी मेजोरिटी लाती है इसमें लोकसभा में, जिस पार्टी की मेजोरिटी ज्यादा होती है तो उसमें से क्या चुना जाता है, उस पार्टी में से एक प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर। अब किसी भी पार्टी के मतलब ज्यादा मेजोरिटी नहीं आई, अब सबके बराबर आए तो क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को चुनता है। पहले वो सबसे पूछता है लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, सो फिर क्या करता है वो अपना प्राइम मिनिस्टर चुन लेता है। सो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है। सो जैसे कि आपको पता है ये जितनी भी स्टेट की या पूरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट है उसे क्या करता है, उसका हेड होता है ये, यानी कि उसे कंट्रोल करता है और जो उसकी पावर्स होती हैं, पावर्स ज्यादा होती है ना उस पर सिटीजन से, सो इसलिए उन्हें भी कंट्रोल करता है इनकी पावर्स को, कौन, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर की बात क्या करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को माननी पड़ती है, राइट। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, चलिए देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसकी हमारे देश में क्या है कि 60 से लेकर 80 तक क्या है काउंसिल मिनिस्टर्स है, 60 to 80। अब जैसे हम बात करते हैं कैंडिडेट कैबिनेट मिनिस्टर्स की, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, ये जो रूलिंग पार्टी जो होती है ना, जो पार्टी रूल कर रही होती है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है ना उनका ये हेड होता है, ठीक है, उस पार्टी में उसका पार्टी का ये हेड होता है, कौन, कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये जो कैबिनेट मीटिंग जो होती है ना, कैबिनेट मीटिंग में ये आ जाता है अपने आप, क्योंकि ये कैबिनेट उस मीटिंग को यही करता है, ठीक है। अब जो सेकंड है वो क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, स्टेट्स के जो मिनिस्टर हैं पर उन पर क्या है, वो किसके साथ है, इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ। सो उनके बारे में देखिए क्या है कि जो ये क्या है वो, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनसे थोड़े छोटे होते हैं, है ना, और ये क्या कैबिनेट मीटिंग में जाने की इन्हें परमिशन नहीं होती है जब ये आदेश नहीं दे देते, ठीक है। अब जो थर्ड आते हैं वो लास्ट जो आता है वो आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब स्टेट का क्या, कौन कौन से मिनिस्टर है, स्टेट के मिनिस्टर कैसे होते हैं। सो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना, ये उनकी हेल्प करते हैं, उनसे बहुत छोटे होते हैं और सिर्फ ये स्टेट के ही मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है, जैसे कि आपको पता है प्रेसिडेंट क्या होता है, पूरे कंट्री का क्या होता है, हेड होता है, हेड होता है पूरे कंट्री का हेड होता है, ठीक है। अब उसकी अथॉरिटी जो होती है, अथॉरिटी की पावर को भी कंट्रोल करता है वो, ठीक है, ठीक है। और स्टेट्स का क्या होता है, हेड होता है, कौन, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की जो पावर है, प्रेसिडेंट पे जो पावर है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट चुने कैसे जाते हैं, ये क्या चुने जाते हैं, ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, यानी कि ये इलेक्शन से होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, मतलब कि इन्हें पीपल्स चुनते हैं, ये इनडायरेक्टली होते हैं, और जो डायरेक्टली होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स, उन्हें पीपल नहीं इलेक्ट करते, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की सबसे ज्यादा पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, फिर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास, राइट। अब आता है जो लास्ट टॉपिक बचा है हमारे चैप्टर का, वो आता है जुडिशरी। जुडिशरी में आपको जज जो होता है, ये क्या करता है, जो सिटीजन्स होते हैं और जो गवर्नमेंट होती है उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स होता है उसे दूर करता है, और जो उनके और जो गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट और एक दूसरे गवर्नमेंट, जब यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से लड़ रही होती है,
उन्हें डिस्पर्स चल रहा होता है तो उसे दूर करता है ना। अब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स जो होते हैं ना, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स और गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उन्हें भी ये जुडिशी दूर करता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है और हाई कोर्ट जो होता है ना, ये इनके जो जजेस होते हैं, जज जो होते हैं इनके, इन्हें आसानी से नहीं हटा सकते, इन्हें आसानी से नहीं हटा सकते, क्योंकि इन्हें राज्यसभा लोकसभा दोनों आपस में बात करके उन्हें ये हटाते हैं। अगर इन तो बात करी और नहीं हटा जज, फिर भी क्या हुआ, जज नहीं हट पाता है कभी कभी, है ना। जब आपस में दोनों बात करते हैं और जज हटाने की बात कर लेते हैं, जब ही जज हटता है, वरना तो ये सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जज नहीं हटता है। इतनी थी आज की हमारी वीडियो, शुरू हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, बाय।